सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा द्वारा शिक्षकों के साथ किए गए बर्ताव की निंदा की है। शनिवार को चुंगी नाके के पास आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए राजेंद्र राठौर ने कहा कि मंत्री के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन ज्ञापन देने गए शिक्षकों को निलंबित करने की धमकी देने का व्यवहार पहली बार एक मंत्री द्वारा देखा गया है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एक दर्जन से ज्यादा मंत्री अपने महकमे के अधिकारियों को बुलाकर वोटों के लिए दबाव बना रहे हैं। राठौर ने कहा कि सरकार बौखला गई और किसी न किसी प्रकार से उपचुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर राठौर ने कहा कि भाजपा आगे बढ़ती जा रही है और प्रबल संभावना है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस तीनों सीटों पर क्लीन बोल्ड हो जाएगी। आसाम से आए कांग्रेस प्रत्याशियों को कांग्रेस द्वारा पहले से जयपुर में होटल में कैद करने के आरोप लगाए। आप भी देखें किस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा और बने रहिए ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। शिक्षा मंत्री का शिक्षकों से जिस प्रकार का बर्ताव रहा वो अत्यंत आपत्तिजनक है। देश में शिक्षक दिवस मनाकर हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रथम दर्जे के अंदर नागरिकों के निर्माता के रूप में उनको सम्मान देते हैं। वही शिक्षक और शिक्षक संघ के लोग जब अपनी पदोन्नति की बात को लेकर शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर जाएं, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें घर से निकालकर धक्के मारकर निकालने के अलावा उन्हें निलंबित करने की बात कहे, उन्हें कहे कि आप क्यों आए, किसके कहने पर आए, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये पहली बार मैंने शिक्षा मंत्री का बर्ताव शिक्षकों के साथ देखा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। उपचुनाव के अंदर एक दर्जन से ज़्यादा मंत्री समय समय पर यहाँ आ रहे हैं, सुजानगढ़ में भी और दूसरी जगह, और अपने अपने महकमे के अधिकारियों को बुलाकर दबाव देकर वोट देने की बात कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अब सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जिसका जन आधार समाप्त हो रहा है, जो अंतर्विरोध से घिरी सरकार है, इसके अंदर सरकार बौखलाहट के अंदर आ गई और येन केन प्रकरण ये कोशिश में है कि वो उपचुनाव जीतें और उसके लिए ओछे हथकंडे पर सरकार उतर आई है। पूरे जिले के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार है और प्रभारी मंत्री जी ने एक बार भी सुध लेने की कोशिश नहीं की और जगह जगह लोग मटका फोड़ आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव अपनी जगह है, पर एक मंत्री के रूप में उनका दायित्व अपनी जगह है, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अहंकार में डूबी हुई ये सरकार और मंत्रियों का दम्भ और अहंकार का व्यवहार ये न केवल निंदनीय है, बल्कि इस सरकार को ले डूबने के लिए उनके इस प्रकार का व्यवहार काफी है। सर, कृष्णा पूनिया जी ने आपके उस बयान का जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि 7 बार के एमएलए को 1 बार की विधायक से क्या खतरा है, क्या कहेंगे? देखिए, कृष्णा पूनिया 1 बार की विधायक है, ये तो सत्य है, पर जिस प्रोटोकॉल से वो चलती है, पुलिस की गाड़ियों के आवागमन के साथ वो जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करती है कि वो सभी विधायकों से अलग है, मैंने उसको लेकर टिप्पणी की थी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर पहली बार बनी हुई पहली विधायक होगी जिसको Z+ की सिक्योरिटी देकर और पुलिस के काफिले के साथ वो इस तरह अपना दौरा करती है, मैंने उस पर टिप्पणी की थी। ये एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स के कारण से कुछ सेलिब्रिटीज़ को कई बार मौका मिलता है, पर अगला चुनाव उनके कार्यशैली और कार्य क्षमता के आधार पर होगा, उस समय असलियत इनको सामने आ जाएगी, जमीन सामने दिख जाएगी। क्या दावा उपचुनाव को लेकर सुजानगढ़ सीट कितने वोटों से जीत रही है? सुजानगढ़ चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है और पूरी सरकार लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जीत की प्रबल संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आत्मविश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ सहित तीनों जगह पर जीतेगी और 0 पर क्लीन बोल्ड होगी अंतर्ग्रस्त और अंतर्विरोध से घिरी हुई सरकार, कांग्रेस की सरकार। कि भाजपा में 8 मुख्यमंत्री के दावेदार है और वसुंधरा को कैद कर रखा है। गोविंद डोटासरा जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो रही है, वो ये भूल गए कि 4 महीने पहले उन्हीं की सरकार 5 सितारा होटल में 38 दिन तक पुलिस के संगीनों के पैरों में इसलिए कैद रही, उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था। आज भी आसाम के विधायक जयपुर के अंदर इसलिए 5 सितारा होटल में कैद किए जा रहे हैं जो उनके प्रत्याशी थे, कि उन कांग्रेस पार्टी को
और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पर वहाँ उनके कार्यकर्ता उनके प्रत्याशियों का उनके विधायकों का विश्वास टूट गया है, इसलिए इस प्रकार के बाड़ाबंदी की राजनीति वो कर रही है। अपने गिरेबा में झांक ले तो जरा ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय वो अपना रोड मैप बताएं। उनकी सरकार की आधे से ज़्यादा उम्र पूरी हो गई, उन्होंने सुजानगढ़ के लिए क्या क्या काम किए, विकास के क्या क्या आयाम स्थापित किए, वो लेकर अगर जनता में जाते तो अच्छा लगता। मैं समझता हूँ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खुद अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार इस प्रकार का कि उनके प्रदेश के पीसीसी के अध्यक्ष बयान दे, इसमें कोई बात रखी नहीं है।